हेलो बच्चों, आज हम नया वीडियो लाए हैं सर्कुलर मोशन का। और आज छोटा वीडियो है। आज हम आपको अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th में जो स्कूल में डेरिवेशन वगैरह आती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स का डेरिवेशन आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो एक मेथड वो होता है जो किताबों में दिया रहता है, एक लेंथी मेथड भी है और एक शॉर्टकट मेथड भी है। तो पहले मैं लेंथी मेथड बताऊंगा और उसके बाद शॉर्टकट मेथड, दोनों से बताऊंगा। आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके स्कूल के टीचर ऐसा ना कहते हो कि मेरे ही मेथड से करो। तो ज़्यादातर टीचर वो लेंथी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आज हम डिराइव करेंगे द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि है वी स्क्वायर बाई आर या कि आर ओमेगा स्क्वायर। और डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जो कि होता है एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों में से किसी का भी डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है। तरीका भाई साहब एक ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकल आएगा तो फोर्स निकल आएगी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हम डेरिवेशन करने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और लास्ट में एग्जाम में अगर पूछेगा तो लिख दोगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पे रख दी या आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रख दिया एम के साथ। ठीक, चलो भाई तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। पहले मेथड वन लेते हैं, हैशटैग मेथड वन। ठीक है, मेथड वन में थोड़ा वेक्टर वगैरह इन्वॉल्व होगा। मान लो कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी है वी वन, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी है वी टू। और एक चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन ये है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कॉन्स्टेंट है। इसकी स्पीड रास्ते में चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि सर्किल में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। ये वेलोसिटी v1 v2 इसलिए बोला क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। v1 और v2 की वैल्यू क्या है? सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड v है जो कि कांस्टेंट। जैसे v1 की हम इस वैल्यू पूछें v, और v2 की वैल्यू पूछें तो वो भी v, दोनों का मैग्नीट्यूड v है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। भाई वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन में चेंज होने वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही क्यों है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही क्यों है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैं पिछले वीडियोज में भी ये बातें बता चुका हूँ। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन 01, सर्कुलर मोशन 02, ये सब भी देख लो, यूट्यूब पे टाइप कर लो सर्कुलर मोशन 01 फिजिक्स वाला, सर्कुलर मोशन 02 फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है और मैग्नीट्यूड बोल दिया है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये सर्किल का सेंटर है और ये रेडियस और ये भी रेडियस। मान लेते हैं यहां से यहां एंगल हो गया थीटा। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, ये वेलोसिटी टेंजेंशियली होती है टेंजेंट के अलोंग, मतलब ये एंगल तो 90 होगा, ये वेलोसिटी भी टेंजेंट के अलोंग तो ये एंगल भी 90 होगा। ठीक, आर और आर के बीच में एंगल है थीटा। अगर मैं यहां पे v1 को ड्रॉ करूं, यहां पे ध्यान से देखना, मैंने ड्रॉ किया v1 और इसकी टेल से जोड़ के v2 वेक्टर को ड्रॉ करूं, ये रहा वेक्टर v2, v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों की लेंथ तो सेम होगी, डायरेक्शन अलग अलग है। आप मेरे को बताओ इनके बीच में कितना एंगल होगा? तो दिमाग में एक फीलिंग आ रही है थीटा होगा, और होगा भी थीटा। क्यों होगा? ये दो लाइंस हैं रेडियस रेडियस, इनके बीच में एंगल थीटा। v1 रेडियस के परपेंडिकुलर, v2 इस रेडियस के परपेंडिकुलर। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी वही एंगल होता है। दो लाइंस के बीच में, इसके और इसके बीच में जो एंगल है, इन लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस यानी इन लाइन के नॉर्मल्स,
इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इनके बीच में भी एंगल कितना होता है थीटा। ये बात याद रखेंगे आज से कि दो लाइन के बीच में जो एंगल, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल। बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करने वाला हूं बच्चों, मैं यहां से यहां एक वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है, इस जगह से इस जगह, इसके हेड से इसके हेड तक मैंने एक वेक्टर बनाया और उसका नाम मैंने बोला डेल्टा वी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा हो तो जरा ध्यान से देखो, ये वेक्टर वी वन, ये डेल्टा वी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो वी टू आ रहा है। ऐसे ही ऐड करते हैं ना वेक्टर को, एक वेक्टर को ऐसे लेते हैं, दूसरे को पहले के हेड से लेके आगे बढ़ाते हैं, और रिजल्टेंट कैसे गिवन होता है, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल लॉ पढ़ाया मैंने आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सर्च कर लो, इसका भी वीडियो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिजिक्स वाला मिल जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने दो वेक्टर को टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से लिया, v1 और डेल्टा v, ये देखो इन द सेम ऑर्डर, v1 डेल्टा v, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब इसको ऐसे नहीं लेना, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ए ऐसे लेना है थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि इस डायग्राम में एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनको जोड़ते हैं तो ये वेक्टर आता है। ट्रायंगल लॉ यही तो कहता है कि दो वेक्टर को अगर तुम सीक्वेंस में लोगे तो इनका जो सम होगा वो तीसरी साइड से मिलेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये देखो सेम ऑर्डर में गए, ये अपोजिट, मतलब वी वन प्लस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी टू। वेक्टर फॉर्म में लिख लें, अच्छा, क्योंकि तीनों वेक्टर ही हैं। अच्छा, यहां से डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, यहां से डेल्टा वी किसके इक्वल हो गया, वी टू माइनस वी वन के इक्वल हो गया। मतलब ये डेल्टा वी, ये वाली साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब मान लो मैं ये कह दूं कि ये चीज बहुत कम टाइम के लिए हुई है, मतलब जो ये एंगल इतना बड़ा थीटा दिख रहा है ये इतना बड़ा नहीं है, असल में बहुत कम समय में ऐसा हुआ है। जस्ट अज्यूम, अज्यूम करो कि ये जो मैंने यहां पर आपको दिखाया ये मैग्निफाइड व्यू है, असल में बहुत ही छोटा एंगल है, रियलिटी में द एंगल इज वेरी स्मॉल। रियलिटी में ये v1 है, जैसे मान लो रियलिटी में क्या हुआ है, रियलिटी में मान लो ये सर्कल बहुत छोटा सा था, मैंने इसको बड़ा करके दिखाया है, रियलिटी में ये v1 है और ये v2, ये छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा एंगल था, मैंने बड़ा करके उस एंगल को बड़ा दिखा दिया। मतलब ये एंगल थीटा ना मान के हम बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा मान सकते हैं, वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। तो इस थीटा की जगह मैं स्मॉल एंगल को डी थीटा लिख सकता हूँ। अब यार अगर ये बहुत छोटा होगा तो ये दोनों बहुत पास होंगे, यानी ये डेल्टा वी ना होके हम इसको डीवी बोलेंगे, भाई ये भी बहुत छोटा होगा, वी वन और वी टू में बहुत छोटा डिफरेंस है, डीवी जिसको हमने बोला, तो डेल्टा वी की जगह ये क्या बन जाएगा, डीवी, ये भी क्या बन जाएगा, डीवी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, फील आ रहा है कि बहुत छोटा डिस्टेंस गया। अब जरा इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला आर आर, और ये क्या है बच्चों, मान लेते हैं यहां से यहां जो टाइम बीता वो बीता dt। अब तो बात हो चुकी है कि ये डायग्राम बहुत ही मैग्नीफाई करके बनाया है, असल में टाइम बहुत कम गया है, एंगल भी बहुत छोटा है, असल में ये तो बहुत बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। मान लेते हैं यहां से यहां टाइम लगा dt और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो s, या s की जगह क्या बोले, ds, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ds बोल सकते हैं, है ना, इसको हम लोग s बोल लेते हैं ना, इस डिस्टेंस को अभी तक सर्कुलर मोशन में, तो इस डिस्टेंस को मैं, इस डिस्टेंस को हम ds बोल लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस dt टाइम में ट्रेवल हुआ। अब जरा ये ट्रायंगल देखो जो हम बनाना चाह रहे हैं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा हो गया r, ये हो गया r और ये हो गया ds। अब यहां पे एक बात आएगी कि ये आपने ds सीधा सीधा कैसे बना दिया। अब अगर ये सच में एंगल बहुत छोटा है, सच में अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये जो कर्व दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये जो भी देखने में कर्व लग रहा, अगर एंगल सच में बहुत छोटा हो जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और हमने बना दिया यही कह के कि दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टाइम का डी टी टाइम में डी टी एंगल गए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुनो। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, प्रूफ भी किया, सिर्फ ये नहीं कि नाम दे दिया dv, यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया कि v1 प्लस dv करेंगे तो v2 वेक्टर आएगा, मतलब dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो,
एक एंगल डी थीटा, एक एंगल डी थीटा, ये साइड बराबर, इसमें ये साइड बराबर। मान लो जो डी थीटा एंगल है, जस्ट सपोज कर लो, जस्ट सपोज कर लो कि जो डी थीटा एंगल है उसकी वैल्यू है, मान लो कुछ भी, मान लो उसकी वैल्यू है 20 डिग्री, ये भी 20, ये भी 20, 180 में 20 गया कितना बचा 160, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये 80 ये 80, यहाँ भी 20 गया, ये 80 ये 80, मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी मान लो 60, जस्ट अज्यूम। तो 120 में 180 में से 60 गया, 120 बचा, ये दोनों बराबर 60 60 60 60, कहने का मतलब इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे। सो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आ रहा है कैसे, ये एंगल ऑलरेडी बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर निकलने वाले हैं, इसके भी दोनों एंगल बराबर बचे हुए, 180 माइनस डी थीटा डिवाइड बाई 2, 180 माइनस डी थीटा डिवाइड बाई 2। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर निकल गए तो रेशियो ऑफ साइड सेम होगा, सिमिलैरिटी, यानी डी एस बराबर आर इज इक्वल्स टू डी वी बराबर वी टू या वी वन ले लो। अच्छा, सिमिलैरिटी में वेक्टर रखते हैं कि स्केलर, सिमिलैरिटी तो ट्रायंगल पे लगता है यार, वैल्यूज पे लगता है, लेंथ पे लगता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। और V2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है V2 का, V2 का मैग्नीट्यूड कितना है V, तो V2 के मैग्नीट्यूड में हमने लिख लिया V, चाहे V2 ले चाहे V1, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ dt से डिवाइड, यहां पे भी हमने लिख दिया dt, यहां पे भी लिख दिया dt, dt dt से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ds by dt क्या हो गया बच्चों, ds by dt बन गया वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन रेडियस। यहां पे dv by dt क्या बन गया बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या होता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो, या तीसरा हो सकता है कि दोनों चेंज हो, पर यहां पे हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, ये तो अजम्पशन लिया है हमने, मान के चले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यहां वेलोसिटी में जो भी चेंज है वो कौन सा है, डायरेक्शन का, ये बात श्योर है। मतलब ये dv by dt आ रहा है, ये कौन सा चेंज है वेलोसिटी का, डायरेक्शन का, और डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का चेंज होता है उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये dv by dt कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, और भी एक्सेलरेशन हो सकते थे, जैसे टेंजेंशियल होता है, जैसे टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन 02 फिजिक्स वाला, वहां पे देखो तो dv by dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे सकता था, पर यहां पे और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाला एक्सेलरेशन है, तो dv by dt जो एक्सेलरेशन है वो है सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय v। यहां से ac की वैल्यू कितनी आएगी, v इधर जाएगा, v स्क्वायर बटे r, एंड हेंस प्रूव्ड मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बटे r, यही तो डिराइव करना होता है, v स्क्वायर बटे r मिल गया। अब इसी को आगे बढ़ाना है तो v की जगह r ओमेगा रख दो, इसी को और आगे बढ़ाना है तो v की जगह यहां मिटा दूं, अब इसको मैं इसी को आगे बढ़ाना है तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा रख दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r मर गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर मिल गया। आपसे कोई कहे सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास एक्सेलरेशन कितना है v स्क्वायर बटे r, या मास एक्सेलरेशन की दूसरी वाली वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर, जो कहो वो डिराइव हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर हो गई बात, बढ़िया समझ में आया क्या क्या किया है मैंने, धीमे धीमे इसीलिए बताया, कई बातें हैं इसमें सोचने वाली, एक ये वेक्टर वाला याद रखना कहानी, एक याद रखना दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों सिमिलर कैसे प्रूव हुए बता दिया, बस उसके बाद डी टी डी टी से डिवाइड कर दिया, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी है, डी वी बाई डी टी होता है नेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकते थे, या तो मैग्नीट्यूड के चेंज किए या तो डायरेक्शन, यहां से डायरेक्शन चेंज हो रहा तो सेंट्रीपिटल, डायरेक्शन चेंज होने वाला एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इतनी बातें आपसे हो गई। अब एक सवाल आता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एसी। अब देखो ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2, तो हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, क्या है,
टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये कैसे पता चला सर आपको, प्रूफ में तो कहीं ये चीज आई नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ, रेडियस के अलोंग सेंटर। तो ये बात तो कहीं प्रूफ में नहीं है कि ये सेंटर की तरफ लगता है। अच्छा कैसे बताएंगे ये, अगर एक्सेलरेशन इधर होगा बच्चों तो ये एंगल कितना होगा 90, तो एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एसी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा जीरो, जिसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ पाएगा और तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर किसी और एंगल पे रखोगे, किसी भी और एंगल पे, तो सही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की खुद की कुछ वैल्यू है कि नहीं, v स्क्वायर बाई r कुछ रियल वैल्यू आएगी ना उसकी, 2 आएगी 3 आएगी, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मान लो आ गई है ना, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ गई, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ गई, तो उस वैल्यू की वजह से स्पीड बढ़ने लगेगी फिर भाई, फिर ये फॉर्मूला लगने लगेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये तो वेलोसिटी है ना सिंपल स्ट्रेट लाइन वाली। अगर एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी या घटने लगेगी, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे, ताकि इसका वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट कितना हो, जीरो, सो दैट इट्स कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, ना ही वेलोसिटी को बढ़ा पाए ना ही घटा पाए, 90 के सिवा कोई भी एंगल होगा तो वैल्यू आ जाएगी, कॉस 90 में फायदा है जीरो आने का। तो ये पहला मेथड था डेरिवेशन का। अब मेथड नंबर 2 देखो, जो कि बड़ा ही शॉर्टकट है, अजम्पशन उसमें भी माननी पड़ेगी। मेथड हैशटैग टू अजम्पशन वही कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट, नॉट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज स्पीड कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज होगी ही घूमने की वजह से। मतलब कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खास बात होती है कि इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब इसमें वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होता है। आओ देखो, क्या हमने ये पढ़ रखा है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, v चेंज नहीं होगा, ओमेगा भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि r भी चेंज नहीं होगा, रेडियस भी कांस्टेंट होता है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती ही है, साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। कई बार ये बातें हो चुकी हैं पहले भी, 02 में कई बार हुई ये बातें, 02 में मैंने बहुत क्लियरली समझाया ये सारी बातें, यानी ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डीवी बटे डीटी इज इक्वल्स टू डी आर ओमेगा बटे डीटी लिख सकते हैं ऐसे, डीवी बटे डीटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता था, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो आप अजम्पशन मान लो कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है सिर्फ डायरेक्शन का है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये चेंज इन डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल। यहां पे देखो, अब ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, हमने मान लिया कि स्पीड कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, dr by dt। अब dr by dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज अगेन वेलोसिटी, तो ac इज इक्वल्स टू ओमेगा v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ac इज इक्वल्स टू ओमेगा v, v की जगह फिर से r ओमेगा रख दो, ac इज इक्वल्स टू ओमेगा आर ओमेगा एंड इट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर, फिर से प्रूफ हो गया ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर करना है, ओमेगा की जगह वी बाई आर रख दो, ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा वी में ओमेगा की जगह वी बाई आर, वी बाई आर तो होगा वी स्क्वायर बाई आर,
इसके बाद आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो, मास इंटू एक्सलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका एक और तरीका होता है जिसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो आज इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक लेंदी मेथड है, एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, हमें नहीं लगता उसकी आपको जरूरत है। कॉम्पिटिशन लेवल पे डेरिवेशन का, इस यहाँ से डेरिवेशन आने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और वैल्यू कैसे निकालनी है तो आपको आता ही है, तो बाकी वीडियोज़ देखें, इन्जॉय करें और इसको एग्जाम के लिए, पहले वाले मेथड को एग्जाम के लिए तैयार करें। ऑल द वेरी बेस्ट।